हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि लास्ट क्या अभी आपके 15 दिन बचे हैं। ठीक है, 15 मतलब मैं पीसीएम के बच्चों की बात करूं, पीसीबी के बच्चों के लिए बहुत कम दिन बचे अभी तो, ठीक है। लेकिन अगर मैं पीसीएम के बच्चों के लिए बात करूं तो 15 दिन अभी भी आपके बचे। पीसीबी के बच्चे अपने हिसाब से अभी जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पीसीएम के बच्चों के पास अभी 15 दिन है, ठीक है। तो इन 15 दिन में भी 99% लाए जा सकते या नहीं लाए जा सकते, 95 लाए जा सकते या नहीं लाए जा सकते, ठीक है। कितना किया तो 95 आएंगे, कितना किया तो 99 आएंगे, ठीक है। इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, ओके। क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी होगी कि 99% आएंगे, ठीक है। सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये फाइनल स्ट्रैटेजी है, इसके बाद कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं आएगा मोस्टली, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अब तुक्का स्ट्रैटेजीज वगैरह तो आती रहेंगी आपकी, ठीक है। लेकिन ये फाइनल आपका एक पूरा प्लान, डिटेल प्लान आपका रहेगा, ओके। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन का आपको जवाब जरूर देना है। जो बच्चा सही जवाब देगा उसको एज यूजुअल 1000 रुपीज का वहां पे प्राइस मिलेगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने प्रतिष्ठा नाम की लड़की को प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे राइट क्वेश्चन राइट जवाब देते हैं लेकिन हर एक को वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन जो बच्चा सब्सक्राइबर रहता है, जिसने लाइक किया होता है, उसको मिल जाता है वो प्राइस, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जवाब देना मतलब ऐसा नहीं कि आपको 1000 रुपीज चाहिए इसीलिए जवाब दो, ऐसा मत कंसीडर करो। ये सारे क्वेश्चन में आपकी पीवाई क्यूज ले रहा हूँ, ठीक है। लास्ट 20 वीडियो से मैं आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैंने 25 से 30 पीवाई क्यूज आपके आराम से ले लिए है ना। तो एग्जाम आने तक मैं आपकी 50-60 पीवाई क्यूज ऐसे ही मतलब वीडियोज के माध्यम से ही ले लूंगा। तो प्लीज इसको पार्टिसिपेट करते जाओ, है ना। एक प्रिपरेशन आपकी बूस्ट होगी, एक क्विज की तरह लो इन सब चीजों को, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है, ठीक है। सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी नोटिस आता है सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पीवाईक्यूज नोट्स वगैरह सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आती है। अगर आपको सारे पीवाईक्यूज के पीडीएफ चाहिए तो ऐप पे आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री, ठीक है। एक रुपए आपको कहीं पे करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे लोग तो उसके भी पैसे मांगते हैं, तो आपको एक भी रुपया वहां पे करने की जरूरत नहीं। सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाओ, न्यूटन ऐप डाउनलोड करो, वहां पे आपको सारे पीवाईक्यूज फ्री मिल जाएंगे, क्लियर है। अभी बात करते हैं लास्ट के आपके 15 दिन बचे, ठीक है। 15 दिन में क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है कि आपके 99% आराम से बन जाएंगे, ओके। तो आपको एक प्रैक्टिकली दिमाग में बिठाना होगा कि 4-5 चैप्टर करने से तो आपके 99% नहीं बनेंगे, ठीक है। ये बिटर ट्रूथ है, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इन सब चीजों को। तो अगर आपने 5-5 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के कर लिए, जो मैं आपको अभी चैप्टर बताने वाला हूं उसके अकॉर्डिंग अगर आपने 5-5 चैप्टर कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं 95% बन जाएंगे, क्योंकि 95% के लिए आपके साथ सिर्फ 100 मार्क्स चाहिए होते। तो 100 मार्क्स आप आराम से इन 5-5-5 चैप्टर करके भी ला सकते हो, लेकिन एक भी क्वेश्चन उसमें से गलत नहीं करना है, क्लियर है। अगर आपको 100% चाहिए तो आपको 10-10-10 चैप्टर करने पड़ेंगे, 30 चैप्टर आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आपके 99% आएंगे। विदाउट एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, क्लियर है। क्योंकि 10-10 चैप्टर, मोस्ट वेटेड चैप्टर अगर मैंने आपको बताया तो वो अराउंड आपके 140-150 मार्क्स कर लेते हैं। 140-150 मार्क्स इन डिफिकल्ट शिफ्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 99%, क्लियर है। बात क्लियर है कि कितना किया तो आपको कितने परसेंट आएंगे, पहले चीज क्लियर है। दूसरी चीज क्या करना है, अभी पहले तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर बात करते हैं कि चैप्टर्स कौन कौन से करने हैं। मैं 5-5 चैप्टर बताता हूं आपको, ठीक है। आपके अगर डिटेल वेटेज चाहिए तो आपका ऐप पे पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे मैंने सारे पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो की डिटेल वेटेज डाल दिए। अभी बात करते हैं कि आपके फिजिक्स के कौन से चैप्टर आपको करने हैं, केमिस्ट्री के कौन से करने हैं, मैथ्स के कौन से करने हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आपको मोस्ट वेटेड चैप्टर बोल रहा हूं, आपको इनको छोड़ना नहीं। अगर ये करके जाओगे तो 99% पक्का बनेंगे आपके, ठीक है। आपका सॉलिड स्टेट करना है, सॉल्यूशंस करना है आपको, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है, उसके बाद आपको 16-17-18 ग्रुप एलिमेंट्स करने हैं आपको, और उसके बाद आपको अल्कोहल, फिनोल, ईथर और अल्डिहाइड कीटोन्स भी कर सकते हो। अगर आपने ये 5-6 चैप्टर, देखो 5 चैप्टर मतलब एज इट इज 5 नहीं होंगे, ठीक है। 1-2 चैप्टर इधर उधर होगा, 5-6 चैप्टर अगर आपने ये कर लिए तो आपको केमिस्ट्री में आराम से अच्छा स्कोर बन जाएगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर 4-4-4-4 क्वेश्चन कैरी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप कंसिडर करो, मैं 7 चैप्टर अभी आपको बताए, 28-30 मार्क्स, तो 30 मार्क्स इज इक्वल टू अराउंड आपके 96-97% तो बन गए, है ना। अब मैंने आपको 5-6 चैप्टर्स बताए। अभी फिजिक्स की अगर बात करूं तो आपको रोटेशन करना चाहिए, ठीक है। रोटेशन के बाद आपका फ्लूइड्स आपको करना चाहिए, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी, आपका सुपरपोजिशंस और वेव ऑप्टिक्स आपको करके जाना है। और अगर मैं एक बोनस चैप्टर बताऊं तो एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर, ठीक है। फ्री मार्क्स मिलते हैं उन सब चैप्टर से। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, आपका लीनियर, ये लॉजिक, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। ये सब चैप्टर अगर आपने कर लिए तो आपके 95% आराम से बन जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ वेटेज इन्हीं चैप्टर से आता है। पहली चीज क्लियर है, डिटेल वेटेज के लिए आपको ऐप पे जाना है, वहां पे आपको पीडीएफ अपलोड कर दिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर है कि आपको चैप्टर
करने। सेकंड चीज, 15 दिन में आपके 95% कैसे आएंगे, 99% कैसे आएंगे। दूसरी स्टेप आपको क्या करनी है, फॉर्मूला शीट्स को रटना है आपको, एक भी फॉर्मूला मिस नहीं करना है, क्योंकि सीईटी इज फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम, नॉट एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम। क्लियर है, आपको एक भी फॉर्मूला को छोड़ना नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या करोगे, देखो आपको अभी थोड़ा टेक्निकली सोचना होगा कि सीईटी कहां से क्वेश्चन उठाते हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ठीके? वही अगर आपने प्रिपेयर किया तो आराम से 99% बन जाएगी, ठीक है। तो सीईटी कहां से उठाती है, पीवाईक्यूस, अदर सीईटी, जेईई मेंस के सिंपल क्वेश्चन, आपके बोर्ड्स के सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद आपके जो वेब जेईई वगैरह आपको क्वेश्चन होते हैं वही से क्वेश्चन उठाती है सीईटी सेल। तो वही से क्वेश्चन हमने भी उठाया और मॉक्स में डाल दिए, तो मॉक्स से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि लास्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है। लास्ट 5 साल से आप चेक करोगे मॉक्स में तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड हुए, ठीक है, मोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, मोस्ट सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इस साल भी आएंगे, सिर्फ आपको मॉक टेस्ट में एनरोल कर लेना है। अगर आपने इस मॉक टेस्ट में एनरोल किया, आपको सीईटी में जैसा प्लेटफॉर्म मिलता है ना, जैसा आपका सबमिट का बटन आता है वैसा ही सबमिट का बटन यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। जैसा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे जंप होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप होगी, 3000 क्वेश्चन आएंगे आपके 20 मॉक टेस्ट के, 3000 क्वेश्चन के 3000 सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। बायोलॉजी के बच्चों के लिए ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक, क्योंकि बायो के 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको मॉक जरूर लगाने, ठीक है, आप चाहे कहीं से भी लगा लो। आपको अगर लग रहा होगा कि मेरा पेड प्रमोशन कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आप कहीं से भी लगा सकते हो, लेकिन एक चीज जरूर पूछ लेना कि उस मॉक टेस्ट में जो 22% आपके क्वेश्चन इससे चाहिए, पीवाईक्यू से चाहिए, 18% क्वेश्चन आपके अदर सीईटी से चाहिए, आपके 6% क्वेश्चन आपके अदर बोर्ड से चाहिए, आपके 12% क्वेश्चन आपके जेईई मेंस के आसान क्वेश्चन चाहिए, तो ये पूरा बाइफर्केशन होना चाहिए। अगर ऐसा बाइफर्केशन है तो आप वहां से भी लगा सकते हो। 3000 क्वेश्चन होने चाहिए, 3000 क्वेश्चन के 3000 सॉल्यूशंस होने चाहिए। क्लियर है, मॉक टेस्ट की बात क्लियर है। थर्ड स्टेप मैंने आपको मॉक टेस्ट बता दी। चौथी स्टेप क्या करोगे, आपको रिवीजन, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। रिवीजन आप कैसे करनी है, आपको देखो 15 दिन में अगर 99% लाने तो इन 4-5 स्टेप्स को ही फॉलो करना है। रिवीजन करते समय बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज को आपको फॉलो करना है, ठीक है, वो है आपकी गलतियों से आपको सीखना है। रिवीजन में आपको बोलेंगे कि एचएससी का बुक फॉलो करो, आपको टारगेट फॉलो करो, आपको स्कोर बूस्टर फॉलो करो, कोई चीज को फॉलो नहीं करना है। जो आपने गलतियां की, मॉक टेस्ट आपने 20 मॉक टेस्ट लगाए, 20 मॉक टेस्ट में 3000 क्वेश्चन आपने लगाए, 3000 क्वेश्चन में से मैं गारंटी देता हूं आपके 1000 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, ठीक है। 1000 क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए वही आपको एट द एंड जब आप रिविजन करोगे उन्हीं 1000 क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको देखने। क्लियर है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई रिवीजन की। सेकंड स्टेप आपको करनी है फॉर्मूला शीट की रिवीजन। बस आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी चीज कि मैं टारगेट से पढ़ूंगा, मैं नवनी से पढ़ूंगा, मैं स्कोर बूस्टर करूं या फिर मैं चेतना पब्लिकेशन के बुक्स लूं। बहुत सारे बच्चे यही सवाल पूछते हैं। सिंपल सिंपल स्टेप्स मैंने आपको बता दी। एचएससी बुक के बाहर का एक क्वेश्चन नहीं आता है तो एचएससी बुक को आपको गीता समझना है, ठीक है। तो क्योंकि सारे क्वेश्चन जो आते हैं एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आता, ओके। और मॉक टेस्ट को आपको रट के जाना है, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझो, ठीक है, कैसे सॉल्यूशन का अप्रोच किया है, कैसे सॉल्व किया। अगर आपने हर एक क्वेश्चन समझ लिया ना, गारंटी देता हूं आपके 99% कोई नहीं रोक पाएगा, ओके। तो यही सारी चीजें थी आपकी, ये 4 स्टेप अगर आपने फॉलो किए तो आपके 99% बिंदास बन जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि भैया हमने कुछ पढ़ा ही नहीं तो मॉक टेस्ट कैसे लगाए। तो पहले क्रैश कोर्स लगा लो, पहले क्रैश कोर्स से सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, उसके बाद मॉक टेस्ट पे जंप हो। क्रैश कोर्स आप 7 दिन में खत्म कर सकते हो, ये बेस्ट क्रैश कोर्स है महाराष्ट्र का, ठीक है। इसमें आपके 1 घंटे के अंदर आपका पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया है, उसके बाद आपको वहां पे पीवाईक्यूज कराए गए, उसके बाद आपको 1500 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज कराए पूरे क्रैश कोर्स में, 1500 से भी ज्यादा, ठीक है। किसी ने 1500 पीवाईक्यूज नहीं कराया, आप मेरे को नाम बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आपको बेनिफिट है, आप 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर सकते हो, 7 दिन में पूरा क्रैश कोर्स खत्म कर सकते हो, इसका इस बात की गारंटी देता हूं, ठीक है। तो जरूर फॉलो करो इन सब चीजों को। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।